कितना बजा है? 2 o'clock. नेक्स्ट 6 o'clock. कैसे जाना तू? 6 o'clock हो गया, 6 o'clock हुआ है तो कैसे जाना? आप ही कह रहे थे ना मम्मी. हाँ, तो छोटा घंटा बड़ा घंटा ऐसे बोला ना, आवर और मिनट. आवर का लॉक कहाँ पे है? आवर कड़ी ए आवर छोटा है, ए छोटा है और ए बड़ा है. ए पतला है ना, इसको ए सेकंड. हाँ सेकंड, वो बाद में सेकंड. हाँ, हम पहले क्या बोलेंगे? छोटा घंटा घंटा आवर आवर बड़ा घंटा मिनट. ओके, तो आवर होता है ना जो नंबर होता है, नंबर. 2 o'clock. 2 o'clock. तो 2 o'clock तो छोटा घंटा 2 में, छोटा घंटा 2 में और बड़ा घंटा 1 to 2. बड़ा घंटा 1 to 2. गुड जॉब. नेक्स्ट 6 o'clock. 6 o'clock में कैसे आएगा? छोटा सिक्स में बड़ा ऊपर में 1 to 12. नेक्स्ट 8 o'clock. तो कहाँ पे जाएगा? चिन्नो नहीं बाबा, छोटा बोलो. चिन्नो छोटा 8 o'clock में जाएगा, बड़ा 1 to 12 में जाएगा. नेक्स्ट क्या है? 7 o'clock. तो कैसे बना के दिखाओ, इनमें क्या रहेगा? आवर घंटा. हाँ मामा, वो मोटा ही रहेगा, पतला नहीं करना है उसको. मोटा रहेगा. वेट, नेक्स्ट मिनट घंटा कहाँ पे? 1 to 12. गुड जॉब. वो आवर से थोड़ा सा बड़ा होएगा. गुड. हो गया. और ये ना देखो मैं कैसे कह रहा, मैं बता रहा हूँ ना. कितना बजा अभी? अभी 7 o'clock. गुड जॉब. तो आज आपने क्या क्या पढ़ाई किया दिखा दो पहले. दिस वन ना. हाँ. क्या है ये सारा? टेबल से. टू टेबल. 3 टेबल. 4 टेबल. 5 टेबल. नेक्स्ट आया है यहाँ पे, आपको दिया था ना 6 टेबल. आपको पढ़ना है ना 6 टेबल. आपको पढ़ना है. आपको पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, किसको पढ़ना है? 6 टेबल मुझे पढ़ना है. हाँ, तो ये क्या है? 10 plus 10 का सीढ़ी. सीढ़ी हमको 10 to सीढ़ी से 100 जाइन बनाना. 10 plus 10 plus 10 plus ना. ये भी एक गेम है ना. किसने बताया? मम्मी ने. मम्मा गुड है ना. गुड. और क्या है यहाँ पे? रुको. ओके, बस 3 ही हम पढ़ाई किया ना आज. ये होमवर्क दिया है ना, 6 टेबल का होमवर्क, 10 plus 10 का होमवर्क आपको बाद में करना है. इसको होमवर्क दूंगी, ठीक है? हम सुबह उठ के आपको ये दिखाएंगे. ओके. हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी संडे. आज संडे और आज 8 मार्च जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे. सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल लेडीज. हाँ, आज सारे लेडीज के लिए खास है, क्योंकि वो अपने आप में ही खास है, क्योंकि वो अपने आप ही खास है और दुनिया कुछ भी नहीं है. हाँ, सोचो तो यही है, उनके साथ ही दुनिया स्टार्ट हुआ था, उनके साथ ही दुनिया खत्म हो जाएगा. और जिनको ये पता है ना, वो औरत की मीन्स लेडीज की इज्जत करते हैं. जिनको ये चीज पता नहीं ना, वो इज्जत नहीं करते. सो वो तो बहुत लंबी बात है जो हम नहीं करेंगे, बट हम आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट करेंगे. और आज का ब्लॉग में ना मैं और कुछ चीजें जो शेयर करने वाली हूँ. और मेरा एक सब्सक्राइबर है, उनका एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जो मैं इस ब्लॉग में ही फुलफिल करूंगी. थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो मैं आगे जाके बताती हूँ उनका रिक्वेस्ट क्या था और क्या करना है मुझे. और सेकेंड, अभी हो गया है 12:30. सो आफ्टरनून हो गया है और मैं अभी नहा के आई हूँ. शुभ बाहर जग गया है खेलने, संडे है तो बच्चे खेलते हैं ना.
वो अभी वो गया है क्योंकि मौसम इतना खराब नहीं है, वो थोड़ा सा क्लाउडी होके रखा है, मौसम अच्छा है, धूप नहीं है, इस वजह से मैं छोड़ दिया है क्योंकि मॉर्निंग से बिजी थे, हम दोनों बिजी थे। यहाँ पे मैं राइस चढ़ा के गई थी नहाने और राइस भी हो गया है, मैं नहा के आई ना स्मेल आना स्टार्ट हो गया, मीन्स हो गया है, होने के बाद जो अच्छा सा खुशबू आता है ना वो अलग, तो बस आके बन गया है। नाइट का कुछ करी है सो ये हम दोनों भी ले लेंगे क्योंकि सुपुर में हम दोनों ही हैं तो इतना कुछ झंझट नहीं रहता है हम दोनों का, जो मैं देती हूँ ना सुबह खा लेता है। हाँ वो स्कूल जाता है तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि वो खाएगा नहीं खाएगा, बट घर में रहता है ना कुछ भी दे दो और मैं खिलाऊंगी तो वो खा लेगा। तो ये करी है, ये सिम का करी जो मैं नाइट में बनाया था और थोड़ा सा बच गया, मॉर्निंग में हम रोटी और सिम का करी ही खा लिए थे, और भी थोड़ा सा है तो राइस के साथ ले लेंगे। अभी मुझे ना सोच रही हूँ कि कुछ चिप्स बना दूं, क्या सब्जी है उसको देखना पड़ेगा, सैटरडे संडे मेरा सब्जी भी खत्म होता है। मैं इस तरह से आज चोटी बनाया है क्योंकि ये मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका रिक्वेस्ट था कि मैं दो चोटी में एक ब्लॉग बनाऊं, ठीक है, सो मैं ये दो चोटी बनाया है। क्या लग रही है, तो चलिए मैं दाल चढ़ा के बस घर में बात कर रही थी। अभी मुझे कुछ देखना पड़ेगा, चिप्स वगैरह बनाना पड़ेगा, तो बस मैं आप लोगों के साथ ये शेयर किया कि मेरा बाल को सूख भी गया ना, मैं बात करते करते इधर से उधर उधर से उधर घूम रही थी तो ये सूख गया, तो सोची कि चलिए मैं चोटी बना लेती हूँ क्योंकि वो बोले थे कि पूरे ब्लॉग में आपको चोटी में रहना है, तो बस क्योंकि मैं हेड वॉश किया था तो स्टार्टिंग में तो नहीं बना पाती थी और अभी हेड हो गया है ड्राई, तो मैं बना दिया चोटी। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और पसंद आता है ना वीडियो जरूर 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 शेयर करना क्योंकि आप लोग बोले थे कि मैं अगर कुछ भी आपके बात मानूंगी तो आप मेरी बात भी मानोगे जो मेरे वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का हेल्प करना ही जिंदगी है और एक दूसरे के हेल्प से ही हम आगे जाते हैं ना। तो यार मुझे ना ये तंग करेगा, वही ये तो अच्छा है ओके चलो। सो अभी मैं दाल चढ़ा दिया है, दाल हो गया है और राइस भी हो गया है, अभी मैं बनाऊंगी, मैं आप लोगों को बोली थी चिप्स बनाऊंगी बट चिप्स के लिए ना मेरा मूड ही नहीं हुआ और मैं सब्जी बना दिया, वो मेरे पास था पम्पकिन, मूली और पोटैटो, ये सबको डाल के एक सब्जी बनाया है, बस वो कट करूंगी और दाल को तड़का दूंगी, ये दोनों काम होएगा और कुछ नहीं। तो ये है हमारा लंच, चले मैं बनाने के बाद आप लोगों से दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाया है। वन ओ'क्लॉक हो गया था तो मैं सोची कि चले मैं कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ, तो यहाँ पे कपड़े डालने के लिए आ गई थी। सो फ्रेंड्स मेरा लंच रेडी है और ये जो सब्जी मैंने अभी बनाया है ना वो है पम्पकिन, मूली और आलू का, मूली थोड़ा सा था तो मैं सोची बना दूं, और ये है सलाद सुबह का फेवरेट अनियन, और मैं मेरे लिए जिंजर थोड़ा सा लिया है, तो चलिए लंच कर लेते हैं, अभी हो गया है 2 o'clock, किसी को लंच करना है तो प्लीज चले आओ क्योंकि सिंपल सा खाना है, मेरा हमेशा सिंपल ही होता है, ज्यादा मसालेदार ना मैं खा ही नहीं पाती हूँ। और इसके बाद ना मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करूंगी, उसके बाद और एक चीज है जो आप लोगों से शेयर करना है। सो फ्रेंड्स आधा काम खत्म हो गया, आधा काम सुबह यहाँ पे अभी स्टडी कर रहा था और मेरा कपड़ा साफ हो गया है, मैं सुखा भी दिया है बाहर डाल दिया, तो उसका स्टडी भी खत्म हो गया, मीन्स जो होमवर्क में दिया था वो कम्प्लीट कर रहा था वो,
तो वो भाग्या, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलिए कमेंट करके बताना कैसा लग रही हूँ। और सुबह मेरे साथ एक फोटो खींचा है, उसको भी अच्छा लग रहा है, बट बोल रहा है ना इसको ना पीछे रखो, ऐसे टाई करके ऊपर रखो, ऐसे झूलाओ मत। और मुझे भी ना बहुत, आपको दिखाया ना कितना जोरों की अभी धूप है, ठीक है। मॉर्निंग में दिखाया, बोली थी या दिखाया था मुझे नहीं पता, बट मॉर्निंग में क्लाउडी था, बहुत अच्छा मौसम था। सडन अभी 12 के बाद ना वो धूप आ गया है, इस वजह से ना मैं बाल को बिल्कुल नीचे नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मेरा गर्दन ये है ना नेक के एरिया में खुजली होना स्टार्ट हो जाता है, और बिल्कुल पसंद नहीं मुझे बाल को ऐसे रखना। अभी सुबह को स्टडी कर रही थी तो सुबह जस्ट मुझे बोला कि मम्मा मेरा बर्थडे जैसे सितंबर को गया, सुबह का बर्थडे जनवरी में हुआ, तो सुबह ये चीज को ना एंजॉय किया है, ठीक है। पापा का बर्थडे जून में या जुलाई में, मुझे याद ना, जून या जुलाई इस तरह से आता है उनका बर्थडे, तो आई थिंक जून, मैं भी भूल गई हूँ। तो सुबह हमेशा सोता रहता है, करण तो ऑफिस जाते हैं, सुबह सोता रहता है, और मैं नाइट में ही केक बना लेती हूँ और मॉर्निंग में उनके साथ कट कर लेती हूँ, सुबह उठेगा तो ठीक है, नहीं तो वो चले जाते हैं, इस तरह से होता है। तो सुबह को शायद वो याद नहीं, सुबह भी उठा था और केक कटिंग हुआ था, बट उसको ना याद नहीं, तो वही मैं अभी पूछ रहा था सुबह कि मामा पापा का बर्थडे क्यों नहीं हुआ, पापा का बर्थडे कब है। तो और करण का भी अभी फोन आया था कि उनको उनके कंपनी कुछ गिफ्ट दिए हैं उनके काम को लेके, मीन्स ईयरली जो मिलता है ना अच्छा कुछ ऐसा होता है, तो वही फोन करके बोले कि मुझे आज अवार्ड दिया है और एक गिफ्ट पैकेट है, बस वो ओपन नहीं किए हैं, घर आके दिखाएंगे बोल रहे। तो मैं वही सोच रही थी कि सुबह भी बोल रहा है और आज ऐसे छोटा सा वो भी खुशी का दिन है, तो चलिए मैं उनके लिए। और एक मेरा सब्सक्राइबर है जो काफी टाइम से मुझे बोल के रखे थे कि दीदी आप एक चॉकलेट का केक बनाओ, तो चॉकलेट केक ओके, आज मैं वही सोच रही हूँ कि वही बना दूँ। मेरे सब्सक्राइबर का भी मान रहेगा और करण के भी अच्छा सा जो मोमेंट है वो भी एंजॉय हो जाएगा, इस तरह से दो दो काम एक साथ हो जाएगा, तो वही सच्चा है। तो चलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी जाके बना देती हूँ, अभी ना 3 o'clock हो गया है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि करण 4 या 5 तक आ जाएंगे, तो चलो मैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद आपको डिटेल में दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है। मैं केक की प्रिपरेशन कर रही थी तो करण आ गए, वो जैसे बोल रही थी गिफ्ट लाए हैं, तो वो था एक टिफिन का बॉक्स, सुबह को पसंद नहीं आया। और मैं अभी केक का प्रिपरेशन कर रही हूँ, यहाँ पे लिया है 1/2 कप मिल्क, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1/3 कप शुगर, 1/4 कप ऑयल, इस तरह को अच्छे से मिक्स करूँगी। आटे के साथ आज मैं केक बना रही हूँ क्योंकि मुझे आटे का केक ही पसंद है, और सारा मेजरमेंट मैं लिख लिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, और चलिए आप देखते रहिए। कोको पाउडर आप अपने हिसाब से लेना, क्योंकि आपको जितना डार्क चाहिए ना आप उतने हिसाब से डाल सकते हो, मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून ही डाला है 1 कप आटे में। केक बनाते टाइम ना मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया, आगे जाके मैं आप लोगों को बताती हूँ, और इस वजह से ना थोड़ा सा चलिए मैं आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ पे मैं प्रीहीट कर रही हूँ, और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और आज मैं दो रिक्वेस्ट पूरा किया है, प्लीज़ आप लोग भी शेयर करना वीडियो को, अगर पसंद आता है ना मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में आप अपना पिक भेज सकते हो, अच्छा लगेगा मुझे। और चलो अभी बेक कर लेते हैं केक को, बहुत अच्छा बना था फ्रेंड्स, और इसको ना सडन ही ख़त्म हो गया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या हुआ है आगे।
बच्चों मैं चोटी ऊपर उठा दिया क्योंकि गैस खत्म हो गया था और गैस को अंदर सेट नहीं कर पा रही हूँ, वो थोड़ा सा पता नहीं थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है और उसके साथ कसरत करते करते पसीना भी हो गई नहीं हो पाया और इसलिए मैं सारा उठा दिया है। और अभी ना केक बेक हो रहा है, ये बाहर अभी है, उनको बोला है वो अभी इसे बात करके इसको सेट करेंगे। दोनों साइड में दोनों को डाल दिया है, मीन्स कप केक और ये केक। ये दोनों होने के बाद मैं आप लोगों से आगे का प्रिपरेशन दिखाती हूँ, वो कैसे होएगा क्या होएगा। तो जब तक केक हमारा बेक हो रहा है ना, हम यहाँ पे चॉकलेट सिरप बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत इजी मेथड में चॉकलेट सिरप बनाना दिखाऊंगी और आप ना इसको ट्राई करना और मुझे बताना आपको कैसा लगा, क्योंकि सच में ये बिल्कुल मार्केट जैसा ही लगता है, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। और कपकेक मेरा रेडी होके रखा है और उसको ठंडा होने के बाद मैं डिमोल्ड करूंगी। और यहाँ पे मैं 1 कप लिया है वाटर, आप इसका क्वांटिटी कमा सकते हो बट मैं 2 केक बनाऊंगी इसलिए मैं 1 कप लिया है, 1/2 कप से भी आप बना सकते हो। और ये है 1/2 कप शुगर, बट मेरे घर में ना शुगर थोड़ा सा कम खाते हैं तो मैं कम थोड़ा सा रखती हूँ। तो ये देखिए, ये 1/2 कप से थोड़ा सा कम में शुगर लिया है। आप ये ना थोड़ा सा स्वीट भी कम हो गया, आप थोड़ा सा ज़्यादा रखना, मैं कम खाते हैं और पानी ज़्यादा डाल दिया ये वजह से थोड़ा सा स्वीटनेस कम लगा मुझे केक में। और इसको हम मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद बस हमें यहाँ पर डालना है कोको पाउडर और मैदा। कोको पाउडर का क्वांटिटी ज़्यादा होएगा, 1/4 कप में डाला है कोको पाउडर और 1 स्पून डाला है मैदा। बस इतने में ही ये अच्छे से एक सिरप बन के रेडी हो जाता है, आप इसको ना ज़्यादा पकाना मत। और यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम हुआ कि मैं इसको छोड़ के थोड़े टाइम के लिए भाग गई थी बाहर, तो ये मेरा ज़्यादा पक गया और थिक भी हो गया। इसको लिक्विड फॉर्म में रखना है और सिमर में रखना है और लास्ट में 8 करो के बटर, तो ये बहुत क्रीमी क्रीमी सा बनता है, बहुत अच्छा बनता है और ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स मेरे लिए। जब तक हमारा सॉस बन के रेडी हो गया तब तक हमारा केक भी रेडी हो गया है। सेकेंड स्टोव में मैं केक को रखा था क्योंकि ये मोटा सा है तो थोड़ा सा पकने में टाइम लगा, ये छोटा छोटा तो हो गया पहले। और इसको मैं थोड़ा सा होल कर रही हूँ चारों तरफ से, क्यों मुझे सिरप इसके ऊपर डालना है तो अच्छे से इसका अंदर भी जाएगा और बहुत क्रीमी क्रीमी और सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा ये और भी। तो चलिए मैं इसको निकाल देती हूँ। और अभी केक भी थोड़ा सा गर्म है और मेरा सॉस भी गर्म है चॉकलेट सॉस, तो दोनों को इसी टाइम ही मिक्स करना है। तो इसको मैं अभी डिमोल्ड कर दिया है, देखिए कितना स्पॉन्जी हुआ है, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के और आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मैं अभी चॉकलेट सिरप इसके ऊपर ऐड करूँगी, मीन्स डालूंगी जैसे ये अंदर चले जाए। और चलिए देखते रहिए और ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत मस्त बना था। और मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर करना, बहुत मेहनत लगा है, पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है, संडे मेरा हमेशा ऐसे ही जाता। इसको मैं काजू और पिस्ते के साथ ही थोड़ा सा डेकोरेट किया है, आप इसमें ना चॉकलेट। सो ये बन के रेडी है चॉकलेट केक। और ये जो कपकेक था ना वो टूट गया क्योंकि कप हमारा बीच में ना ऐसे है, तो ऊपर का ये पार्ट निकल गया, नीचे का जो पार्ट है ना ये ऐसे नीचे रह गया, तो इसको तोड़ के लाना पड़ा। और ये है चॉकलेट केक। कोमल जी ये आपके लिए है, आप बोले थे, सो आज भी एक मौका था मुझे बनाना था, सुबह भी जिद करने लगा कि पापा का बर्थडे, तो बस बना लिया। आपको कैसा लगा जरूर बताना और अच्छा लगा है ना प्लीज़ एक बार ट्राई करना। और मुझे इंस्टाग्राम में जो जो ट्राई करते हो ना मुझे इंस्टाग्राम में इसका पिक भी भेजा करो, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे जाके कनेक्ट हो सकते हो। तो चलिए करण इसको कट करने के टाइम ही आप लोगों से शेयर करती हूँ ये कैसा दिखता है और खाने में कैसा है, ठीक है करण बताएंगे आपको कैसा लगा। तो चलिए मैं ये ब्लॉग को ना एम्पेंड करती हूँ, ये ब्लॉग हो गया है बहुत लॉन्ग, तो आगे गया जो भी मैं अगर शूट करती हूँ ना मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी। तो चले मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तो चले बाय, टेक केयर। अभी हो गए इवनिंग 5:30 आई थिंक, 5 o'clock ही मैं इन दोनों का आवाज दिया बट कोई नहीं उठाए,
तो चलिए मैं जाती हूँ। और सच बताऊं केक बहुत फॉपी हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है और बहुत टेस्टी हुआ है। एक को मैं खा लिया है। अभी शाम हो गया है और हम निकल रहे थे मार्केट के लिए, तो करण बोले कि मुझे भूख लगा है और चाय भी मैं बना रही थी, तो मैं बोले कि चलो केक ही खा लो, केक तो बना हुआ है। और शुभजीत कला क्या कि मुझे केक कटिंग करना है और केक कटिंग किया और बोला कि मैं सबको बांटूंगी, तो लेके वो अपने फ्रेंड लोग को बांट भी दिया। खत्म हो गया मेरा।